हाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं सीधा आगरा। सबसे शुरू में जाएंगे हम नजीबाबाद। हम बिजनौर से निकल चुके हैं बैराज से। तो दोस्तों, सबसे शुरू में हम नजीबाबाद रुकने वाले हैं लगभग 1 से 2 घंटा, और उसके बाद जाएंगे लगभग हरिद्वार की साइड। हरिद्वार से बैठेंगे हम ट्रेन में, ठीक है भैया। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं सीधा नजीबाबाद में, उसके बाद चलते हैं हरिद्वार, हरिद्वार से चलते हैं सीधा आगरा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो में काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाइयों, और वीडियो को लाइक कर देना। और जितने भी भाई बिजनौर से हैं तो भाई शेयर तो ज़रूर करना बनता है भाई, ठीक है। और बाकी अपनी सिटी बताना, कहाँ से हो आप, कहाँ से नहीं हो, ठीक है भाइयों। तो चलो चलते सीधा नजीबाबाद। नजीबाबाद, और उसके बाद सबसे शुरू में पता करते हैं आगरा की ट्रेन, अगर यहाँ पर अवेलेबल हो तो। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती आगरा की ट्रेन। यहाँ पर सबसे शुरू में हम पता करेंगे हरिद्वार की ट्रेन, उसके बाद दोस्तों हरिद्वार से जाएंगे हम सहारनपुर, और सहारनपुर से जाएंगे सीधा आगरा। तो दोस्तों, सबसे शुरू में चलो कर लेते हैं हम पता, और वहाँ से कार भी पिकअप करनी है। तो दोस्तों, कुछ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो हमने किया रेस्ट, और अगले दिन निकल चुके सीधा हरिद्वार की ओर अपनी कार में। तो काफ़ी टाइम तो नहीं लगा, बाकी 1 से 2 घंटा लगा, और देख सकते हो हम हरिद्वार फाइनल पहुंच चुके हैं। इसके बाद यहां से ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं सीधा आगे।
तो देख सकते हो ये हमारा लाल किला आगरा का, और काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो हम जाएंगे नहीं, सीधा जाएंगे हम ताजमहल, क्योंकि दोस्तों टाइम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम है। तो चलो सीधा चलते हैं ताजमहल की साइड, आपको दिखाते हैं वहाँ पर टिकट वगैरह कैसे मिलता है। ठीक है भैया, हो चुके हैं एंटर ताजमहल की साइड, तो लगभग लग सकता है यहाँ से 5 से 6 मिनट। तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे। इसके देखो कोई दिक्कत नहीं है, काला वाला नहीं पड़ने वाला है, और ये पत्थर होता है वाइट मार्बल का, तीनों चीज़ें इसमें आपका ही। दोस्तों आपको एंटर करने के लिए सबसे शुरू में मिलेगा ये टोकन और एक टिकट, जो मिलता है 250 रुपये का, या आप 50 रुपये का भी ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके का आपको मिलने वाला है, और चलो दोस्तों आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम अंदर एंट्री तो ले चुके हैं, और ये फर्स्ट में आपको पड़ता है, देख सकते हो। यहाँ से पास होने के बाद हम जाएंगे सीधा ताजमहल के अंदर। तो दोस्तों चलो चलते हैं अंदर, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है मेरे को यहाँ पर, आपको दिखा देता हूँ फिर से। देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छी लोकेशन लगी, जहाँ तक देखा जाए यहाँ की खूबसूरती तो वाकई लाजवाब है। तो चलो दोस्तों चलते हैं ताजमहल। तो दोस्तों हमने सोचा प्रैंक करने की, और देख सकते हो दोस्तों कुछ हमने ज़्यादा नहीं किया, कभी पिट भी सकते थे। तो चलो दोस्तों काफ़ी अच्छी लोकेशन लगी, आपको दिखाता हूँ अंदर की लोकेशन, क्या क्या सिस्टम है यहाँ का, क्या क्या नहीं है। तो चलो दोस्तों टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है, और आपका भी और मेरा भी। ठीक है भाई।